तो गाइस ये देखें टेल लाइट का क्या डिज़ाइन आ रहा है यार। अगर इस साइड से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पे ये एलईडी लाइट कितना सही व्यू पॉइंट कर रही है। डिज़ाइन इसमें देख रहे हैं कितने सारे आ रहे हैं, वाह 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 क्या बात है। ये फुल हमारा ऑडी सिस्टम हो गया। धूप निकली है शानदार और आज हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे होंडा सिटी का वीडियो। ये होंडा सिटी हमारा 2017 का होने वाला है और स्पेशली ये भी एक हमारे किसी कस्टमर का गाड़ी है कि आखिर हमने इस कार में अभी क्या क्या मॉडिफिकेशन कर दी है। तो अभी हम लोग अंदर कार में बैठे हैं, कार के बाहर चलते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको पूरा इसका इंटीरियर मैं समझाऊंगा। अभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो भी हमने मॉडिफिकेशन की है सबका आपको प्राइस बताएंगे। एंड में यहाँ पे हमने गाइस देख रहे हैं यहाँ पे अंदर हमने एलईडी लाइटें इंस्टॉल की हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइटों से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एलईडी हमने ये डाली है, आप ये देख रहे हैं, एक ये एलईडी हो गई, एक वो हो गई। नीचे हमारा ये फॉग लाइट स्टॉक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, मतलब कि जो काम किया वो भी समझाएंगे, जो काम नहीं किया वो हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं, मतलब कि एकदम सच। तो यहाँ पर आप देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको एलईडी देखने को मिल जाती है। अब बाकी बात करते हैं तो हमने यहाँ पर डोर वाइज़र ऊपर देख रहे हैं, ब्लैक क्रोम कलर के हमने इस कार में लगाए हैं गाइस। आपको यहाँ पे अच्छे ढंग से फिनिशिंग में दिखा रहा हूँ कि आप समझ पाएँ कि आखिर हमने और क्या क्या अपग्रेड किया है। कटिंग्स लगा रखे हैं, आप यहाँ कटिंग्स देख रहे हैं। यहाँ पे हमने कपड़ा चढ़ाया, देख रहे हैं गाइस ये हमारा शाखा कपड़ा होने वाला है। अगर यहाँ से अगर दिखाएं इंटीरियर में, सबसे पहले यहाँ पे होंडा सिटी का वेलकम लाइट हमने लगाया है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे बस कपड़े की क्वालिटी गाइस देखें, सीट कवर की आपको यहाँ पे जस्टिफाई हम कर रहे हैं, ये शाखा कपड़ा होने वाला है और इसकी कुशन बहुत ही सही लग रही है देखने में। तो कुछ आप ऐसी क्वालिटी भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। इसका आमरेस हमने देख रहे हैं उसी कलर का रैप किया है, इस पर भी कपड़ा चढ़ाया है। कस्टमर का चॉइस था कि भाई मुझे यहाँ पे स्टेयरिंग जो है वो चाहिए ब्लैक, तो हमने यहाँ पे ब्लैक कपड़ा चढ़ाया है। बाकी बस सीट आप चेक करें गाइस कि यहाँ पे आपको व्यू क्या देखने को मिलने वाला है। ये हमारा 2017 ऑटोमेटिक आती है, ये हमारी गियर वाली नहीं है, ये ऑटोमेटिक के साथ आती थी कार। बाकी अब पीछे से आपको दिखाएं तो पीछे से आप समझ पाएंगे, ये कटिंग्स लगी है, वहाँ पे कटिंग नहीं लगी, सो आप व्यू चेक कर पा रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं, सो ये देखिए गाइस, यहाँ से आपको अच्छे ढंग से समझ व्यू पॉइंट होने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ रोशनी है तो मैं आपको अच्छे ढंग से यहाँ पे शो कर पा रहा हूँ। साथ में हमने इसी कलर के यहाँ पे 70 मैट भी पीछे डाले हैं, वेलकम लाइट हो गई, 70 मैट आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छे ढंग से मैं आपको व्यू पॉइंट कर रहा हूँ। आमरेस पे देख रहे हैं, मैं कपड़ा फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ और आगे का व्यू पॉइंट करेगा इस एक बार इंटीरियर का। 70 मैट की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी परफेक्ट देखने को मिलने वाली है। शाखा कपड़ा आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे पिलर पे भी लगा रखा है, पिलर पे भी आपको जस्टिफाई कर रहे हैं। और यहाँ से इंटीरियर पीछे देखिए पैसेंजर सीट का, इस साइड अभी हमने यहाँ पे ट्विटर्स लगा रखे हैं, ऊपर ट्विटर एक यहाँ लगा हुआ है, एक वहाँ लगा हुआ है, और पीछे दोनों डोर्स पे एक ट्विटर लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे हमने स्पीकर भी लगा रखे हैं, स्पीकर का आपको यहाँ पे आवाज़ सुनाने वाले हैं अभी चला के, एक इस साइड स्पीकर है और बाकी तीनों डोर्स पे आपको स्पीकर देखने को मिलने वाले हैं। एक बस की फिनिशिंग गाइस चेक करें कि कितनी सही लग रही है सीट कवर की, तो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। इसके हमने डाले हैं आफ्टर मार्केट वाले टेल लाइट, देख रहे हैं गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं। एक पीछे हमने यहाँ पे स्पॉइलर लगाया है ब्लैक कलर का, वाइट कलर के साथ काफ़ी सुंदर लग रहा है, टेल लाइट के साथ ये जच रहा है। अभी हम आपको चेक कराएंगे टेल लाइट आखिर क्या व्यू आने वाला है इसका, देख रहे हैं गाइस इट साइड से भी। बाकी नीचे बम्पर में आए तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, आप इसको भी लगवा सकते हैं अपनी कार के अंदर, अगर आपके कार के बम्पर में ऑप्शन है तो कुछ आप रिफ्लेक्टर भी लगा सकते हैं। अगर आपको कस्टम टेल लाइट चाहिए तो श्योर आप आएँ, आपको हम सजेस्ट करेंगे आपकी कार के लिए कि टेल लाइट कौन सी अच्छी होती है, और जितनी वैरायटीज होंगी हम सबके सब आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। फिर से बस देख लें फिनिशिंग कितनी अच्छी होने वाली है। 70 मैट आप देखें गाइस, यहाँ पे 70 मैट हमने डाले हैं, पूरे एकदम सेट आपको ये प्रॉपर मिलने वाला है, हल्का सा भी आपको गैप कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ से अगर दिखाएं आपको तो यहाँ से अब आता है हमारा ड्राइवर साइड का, स्टीयरिंग हमने रैप किया है, स्टीयरिंग पे चढ़ाया है कपड़ा, तो ये डिक्की खुल गई हमारी और इसको ऐसे उठाते ही तो अब देखें गाइस ये हमारा 1300 वोल्ट का रॉकफोर्ड का बेस ट्यूब होने वाला है। ये 1300 वोल्ट का है, अगर आप चाहते हैं इससे ऊपर लेना JBL में अदर और भी कंपनियों की बेस ट्यूब आती हैं तो आप वो सब का सब चेक कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो में आ चुके हैं हमारे डायमंड भाई RV कार एसेसरी वाले, क्या हाल है भैया? बढ़िया
बढ़िया भैया। तो डायन भाई ने ये पूरी पूरी कार तैयार की है, अंदर से इंटीरियर से लेके म्यूजिक सिस्टम से लेके टेल लाइट से लेके आगे यहाँ पे हमने हेडलैम्प्स में एलईडी लाइटें डाली हैं, सबका सब हमने दिखा चुके हैं भैया वीडियो में। मैक्सिमम इस कार में मैं बोलूँ तो कितना खर्चा आया होगा मॉडिफिकेशन के ऊपर? इसके ऊपर 55-60 हज़ार खर्चा आया टोटल। टोटल 60 हज़ार का, ठीक है। तो भाई 60 हज़ार रुपये मैक्सिमम खर्चा आया है, मतलब कि अगर मैं चाहता तो खुद भी प्राइस बता सकता था, पर जिसने भाई इंस्टॉल किया है तो ए टू जेड जैसे मैंने आपको समझाया, तो प्राइस इनसे ही पूछना और जानना वीडियो में बहुत ज़रूरी होता है। तो भैया बात कर लेते हैं, मैंने तो अपनी ओर से सब बता दिया है, वैसे अगर मेरी ओर से कुछ छूटा तो आप भी वीडियो में बता दें। आपने ये लाइट दिखा दी है? लेडी जी बिल्कुल दिखा दी। जला के दिखाएं? जला के तो अब दिखाएंगे ना, पीछे टेल लाइट भी चेक करानी है। जला के दिखाओ इनको, फिर समझ में आएगा कि लाइट क्या है। दिन में दिखाऊंगा रोज। भैया वैसे कितने वोट की एलईडी होने वाली? 65 वाट है। ओके 1300 लुमिनस है ये। हम यहाँ पे एलईडी लाइट चेक करा रहे हैं, बहुत लोग रात को कराते हैं पर हम दिन में करा रहे हैं, पर दिन में इसका व्यू चेक करा रहे हैं। भैया डिपर मारना, ये देखो सामने भाई के पैरों पे, ये देखो गाइस डिपर दो, ये देखो गाइस, मतलब कि इतना कस का इसका व्यू होने वाला है, नाइट व्यू बहुत सही है। डिपर अभी दिन के टाइम पे इतना क्लियर है। तो गाइस ये देखें टेल लाइट का क्या डिज़ाइन आ रहा है यार, अगर इस साइड से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि आपको यहाँ पे ये एलईडी लाइट कितना सही व्यू पॉइंट कर रही है। डिज़ाइन इसमें देख रहे हैं कितने सारे आ रहे हैं, वाह 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 क्या बात है। ये फुल हमारा ऑडी सिस्टम हो गया है, जैसे BMW ऑडी मर्सिडीज़ में आती हैं लाइटें, तो आप ऐसा कुछ कस्टमाइज एलईडी लाइटें भी लगवा सकते हैं अपनी कार में। तो इसका साउंड सुनाते हैं कि आखिर साउंड कैसा आता है। गाना तेज कर रखा है हमने। तो ये बताना कि आपको होंडा सिटी का ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपको कोई भी एसेसरी की नीड है तो डायमंड भाई के पास आओ करोल बाग में। भाई नियर बाय आपका लोकेशन क्या पड़ता है यार? मेट्रो पिलर नंबर 80। हाँ सामने चौड़ी रोड है। हाँ आरबी कार एसेसरी। नंबर क्या होने वाला है? 9560284181। ठीक है, तो आप भाई के पास आ सकते हैं अपनी कोई सी भी कार लेके या होंडा सिटी लेके आ जाओ। टेल लाइट इसकी बहुत ही अच्छी मुझे लगी है, जिस तरह से मेरा व्यू है, बाकी बेस ट्यूब हमने आपसे दिखाई है, और इसका डिक्की का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है होंडा सिटी का। और बाकी यहाँ पे नीचे हमने रिफ्लेक्टर लगाए हैं ऊपर स्पॉइलर ये डिक्की पे, तो डिक्की को कर देते हैं हम बंद। अब आपको व्यू यहाँ पे चेक कराते हैं टेल लाइट का और बैक स्पॉइलर का। म्यूजिक सिस्टम से लेके सीट कवर से लेके बैक टेल लाइट से लेके आगे एलईडी हमने डाली है, जैसे आपने व्यू चेक की है। तो कैसे बताना वीडियो कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। कि वही दोपहर का टाइम है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए आज ये होंडा सिटी का वीडियो लाके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोशिश है कि आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं देसी छोरा दिल्ली का यूट्यूब चैनल। तब तक साइन ऑफ, अपना भी देश बूम, राम राम।